छोटी जगह से निकलकर बड़े बड़े शहरों में नाम कमाने का सफर। हर सफर की होती है अपनी एक कहानी। सफर की यही कहानी लेकर आ रहा है जीव इंडिया अपने खास कार्यक्रम शख्सियत में, तो देखना ना भूले। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सिंह ने स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पहुंचकर उनका हाल जानते हुए पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष दिनेश गोयल के निधन पर उनके आवास पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करते हुए सांत्वना व्यक्त की। सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सिंह विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय पहुंचे। भाजपा अध्यक्ष भगत ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य की घोषणा सोमवार की शाम तक कर दी जाएगी तथा पंचायत चुनाव में पार्टी से बगावत कर चुनाव मैदान में उतरे कुछ लोगों को पार्टी से बाहर निकाला गया था, जिसको लेकर अब शीघ्र इन लोगों की घर वापसी की जाएगी, लेकिन घर वापसी के लिए गुण और दोष देखने के बाद ही वापसी होगी। उन्होंने कहा कि आगामी होने वाले हैं विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है, जिसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में शिविरों का आयोजन कर उन्हें पार्टी की रणनीति, रीति नीति व केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया जाएगा, जिसके बाद यह वरिष्ठ लोगों से प्राप्त जानकारी कार्यकर्ता घर घर जाकर जनता को देंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष भगत ने प्रदेश सरकार द्वारा रामनगर नगर पालिका में नामित किए गए हैं सभासद राम भरोसे लाल गोला, बसरीता मेहरा, राकेश अग्रवाल, ओमकार कश्यप का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष खिलेंद्र चौधरी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी, चमन लाल चौधरी, नरेंद्र शर्मा, कैप्टन पूरन सिंह बिष्ट, बलदेव सिंह रावत, मनोज रावत, ब्रह्मदेव झा, प्रकाश थापा सहित कई लोग मौजूद रहे। एक प्रकार से व्यक्तिगत भी कहा जा सकता है, हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे सहयोगी दीवान सिंह बिष्ट जी का स्वास्थ्य उनका खराब हो गया था, तो इस बीच मिलना नहीं हो पाया, तो मैंने स्वास्थ्य की आज चर्चा कर लूँ, जरा पूछताछ करूँ कैसा स्वास्थ्य है। दूसरा, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी दिनेश गोयल जी थे जो यहाँ के अध्यक्ष भी रहे, उनका स्वर्गवास हो गया था पिछले दिनों। मैं आया था तो उनके यहाँ जाने में थोड़ा पाबंदी अच्छी लगी थी, कोरोना से शायद वो हुआ, तो फिर मैंने उनके लड़के से बातचीत कर ली थी, आज मैं उनके घर पर जाके थोड़ा बातचीत कर। सर, चुनाव नज़दीक है तो क्या तैयारी चल रही है आपकी इसके लिए? चुनाव के लिए बहुत तैयारियां हो रही हैं, हमारे प्रशिक्षण शिविर पहले एक बार हो गया एक दिन का, उसके बाद 5 से 10 तक जिलों की बैठकें हैं, 10 से 15 तक मंडलों की बैठकें हैं, फिर 28 तारीख से 10 तारीख तक मंडलों के प्रशिक्षण शिविर हैं, जिसमें 8 विषयों पर वक्ता बोलेंगे और 2 दिन का वो शिविर होगा। उपलब्धियों से लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या है, कैसी है, ये पूरा डिटेल विस्तार से कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा होगी, ताकि एक नए उत्साह के साथ कार्यकर्ता क्षेत्र में जाएं। ये सब चुनाव की तैयारी है।